हेलो बच्चों, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 14। वर्कशीट नंबर 13 कल हमने की थी, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14, जो कि है 21 जुलाई 2020 की। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स जीके मनीषा धनकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये सारी वीडियो शेयर कीजिए। हम करने वाले हैं आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 14। हम करते हैं शुरू। चलिए, टुडे नीनाज क्लास टीचर टोल्ड द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द क्लास। शी रिमेम्बर्ड द प्रोसीजर बट फॉरगॉट इट्स ऑर्डर, सो शी इज कंफ्यूज। नाउ यू हेल्प नीना बाय टेलिंग द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। नीना की क्लास टीचर ने उसको बताया था कि हाथों को कैसे कैसे धोना है, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो सारे स्टेप्स भूल गई है और कन्फ्यूज हो गई है। अब आपको बताना है नीना को कि कैसे अपने हाथों को धोना है। चलिए, फर्स्ट स्टेप उन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेप इज वेट योर हैंड्स एंड यूज सोप। अपने हाथों को गीला करिए और साबुन का इस्तेमाल करिए। ये तो है आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप होगा रब योर पाम टू पाम। दोनों हथेलियों को रगड़िए ताकि आप क्या कर सकें, अपने साबुन को, जो भी आपके हाथ में सोप है, उस सोप से फॉर्म बना सकें, उस सोप से झाग बना सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। ये है आपकी नंबर टू। अब क्या करना है, अब आपके हाथ, दोनों हाथों में साबुन लग गया है, अब अपने नेल्स को हथेलियों में गोल 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 घुमाना, राउंड 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 ऐसे, है ना, उंगलियों को अपनी हथेली के बीच में घुमाना दोनों हाथों से। दिस इज स्टेप नंबर 3। चौथा है रब योर हैंड्स फ्रॉम बैक ऑल्सो। अब पीछे की तरफ हाथ, आगे की तरफ से तो धुल गए, नेल्स भी धुल गए, अब आपका कौन सा हिस्सा बचता है हाथों का, हाथों का हिस्सा बचता है पीछे वाला, यानी कि पीछे वाले हिस्से को धोना है। फिर आता है वॉश योर हैंड्स विद वाटर। आपको अपने हाथ साबुन से धो लेना, पानी से धो लेने हैं, साबुन उतार लेना है और फिर अपने हाथों को तौलिए से सुखा लेना है। ये है 6 स्टेप्स और इन्हीं स्टेप्स से आपको भी अपने घर में अपने हाथ धोने हैं। ये 6 स्टेप आपको सबको करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई विल टेल यू वन बाय वन अगेन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाथों को पानी से गीला करेंगे साबुन का इस्तेमाल। साबुन लगाने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, फिर अपने नाखूनों को गोल गोल घुमाएंगे दोनों हाथों के नाखूनों को दूसरी हथेली में, और जैसे कि राइट हैंड के नाखूनों को लेफ्ट हैंड की हैंड के हथेली में और लेफ्ट हैंड के नाखूनों को राइट हैंड की हथेली में घुमाएंगे। फिर हाथों को पीछे की तरफ से भी धोएंगे, फिर हाथों को पानी से धोएंगे और फिर हाथों को तौलिए से सुखाएंगे। ये है आपके 6 स्टेप्स और इन्हीं स्टेप्स की है ये वर्कशीट, जो कि बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिख लिया है बेटा, अब सेकेंड स्टेप आप बताएंगे कैसे। सेकेंड स्टेप इज रब योर पाम टू पाम। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, यू विल राइट ना। ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। लिखना शुरू करें, सेकेंड रब योर पाम टू पाम। सेकेंड स्टेप इज रब योर पाम टू पाम। कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है, सिंपल सा है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ऊपर चलते हैं वर्कशीट में देखते हैं, रीड करते हैं। थर्ड स्टेप कहता है बच्चे रब योर नेल्स विद पाम। ये है ना थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कहता है रब योर नेल्स विद पाम। इसको लिखना है रब योर नेल्स विद पाम। ये है थर्ड स्टेप में आपको ये लिखना है रब योर हैंड्स विद पाम। यहाँ पर आपको लिखना है रब योर नेल्स विद विद पाम, आई थिंक ओके। चलिए फोर्थ स्टेप लिखते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है क्या है, फोर्थ स्टेप देखें, फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है रब योर हैंड्स फ्रॉम बैक ऑल्सो, पीछे की तरफ से भी, फिर वॉश योर हैंड्स विद। सिक्स स्टेप इज आपके हाथों को ड्राई करना, ड्राई योर हैंड्स विद टॉवल। ये स्टेप्स आप लिख लेंगे। नाउ यू एक्सप्रेस योर फीलिंग बाय ड्राइंग स्माइलिंग दैट यू हेल्प नीला। नीना, आपने नीना की हेल्प करी है, अब आपको क्या बनानी है, एक स्माइली। लेट्स ड्रॉ अ स्माइली, आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ अ स्माइली। टेक अ सर्कल लाइक दिस, विल टेक अ सर्कल लाइक दिस, विल ड्रॉ टू आईज, विल ड्रॉ अ बिग स्माइल एंड वी कैन ग्रो सम हेयर ऑल्सो। हम लोग कुछ बाल भी उगा सकते हैं ना। येस वी कैन ड्रॉ ईयर्स, कान भी बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। ये लो हमने बना दी स्माइली, वेरी गुड। अब हम बनाते हैं एक और स्माइली बनाते हैं। विल ड्रॉ इट लाइक दिस,
ये देखो चोटी वाली लड़की, ये लो चोटी वाली लड़की, चोटी हो गई। अब आंखें बनाते हैं, नाक बनाते हैं और स्माइली बनाते हैं, ठीक है? ऐसे ही बनाएंगे, आप भी स्माइली, सुंदर सुंदर स्माइली बनाएंगे और इसको डेकोरेट करेंगे और सारे स्टेप्स लिखेंगे और इसी तरह हाथ धोएंगे रोज। आपको इसी तरीके से हाथ धोना है, इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करना है और इसी तरीके से यू विल वॉश योर हैंड्स एंड यू विल, आप मेरे साथ बोलेंगे ये सारी एक्टिविटी को और पूरी वर्कशीट को इंग्लिश में लाउडली शीशे के सामने खड़े होकर रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज, सेकेंड स्टेप इज, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद लाउडली शीशे के सामने खड़े होकर इन स्टेप्स को एक बार बोलेंगे ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच मेरे बच्चा, टेक केयर।